विधायक युवा साथी आज इस कार्यक्रम में पहले ये तय कर लिया था कि आज सर्व समाज की जो बैठक है उसके अंदर केवल युवा और पुरुष ही आएंगे, जबकि हकीकत में आपको बता दूं जब ये चर्चा शुरू हुई और यूट्यूबर जितने भी हैं आप सबने देखा कि हमारी मातृशक्ति का जो रविंद्र सिंह भाटी के प्रति जो अपनापन है और बच्चे जैसा जो प्रेम देखने को मिला वो शायद राजस्थान में पहली बार। उनकी भी इच्छा थी कि हम भी हमारे बेटे का दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन हमने उनसे वादा किया है कि बेटा चल करके आपके दरवाजे पे आएगा, इसी विश्वास के साथ हम जा रहे हैं। ये बात ठीक है, पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमें ये परिस्थितियां क्यों बार बार बदलनी पड़ती है, क्यों परिस्थितियां आ रही है। स्वाभिमान शब्द का भी यह नाम बार बार लिया जा रहा है और स्वाभिमान के हम भी साथी थे, लेकिन जब बात जसवंत सिंह जसवंत की आती है तो आपको पता होगा कि रामचंद्र भगवान ने जब लंका के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का सहारा लिया था, ठीक उसी प्रकार भाजपा को हिंदुस्तान में खड़े करने वाला भी व्यक्ति जसवंत सिंह जसवंत थे, ये आप सबको पता है। लेकिन परिस्थितियां क्यों बदली, ये हमें क्यों मैदान में आना पड़ा, कुछ सच थोड़ा कड़वा होता है। और मेरी एक आदत है, मैं जिला परिषद सदस्य रहा 2010 में और मुझे बनाने वाले दक्षिणी बसिया क्षेत्र के समस्त 36 कौम, और आज भी पार्टी अपनी जगह है लेकिन यदि परिवार के बीच में कोई काम पड़े तो परिवार पहले है और परिवार के बीच में रहना हमारा धर्म बनता है। जैसलमेर के अंदर एक बार अशोक पन्नामी साहब आए, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उसमें उन्होंने कहा आप जाइए पार्टी का प्रचार कीजिए, पार्टी चलाओ है सिर पे। हमने उस समय नरेंद्र सिंह जी सोडा बेरसियाल साहब ने कहा कि साहब हम कैसे जाएं, हमारी सरकार के अंदर हमारे ही भाइयों के प्रति एनकाउंटर जो अनंतपाल सिंह का हुआ आपके सामने, उधर चुतर सिंह का हुआ आपके सामने, और हम समाज के बीच में कैसे बात करेंगे, क्योंकि लड़ना पड़ता है। जब लड़ेंगे तब पार्टियों को पता चलेगा कि वास्तविकता में असली ताकत किसके पास है। जनता के पास केवल समय वही आता है जब वोट की जरूरत होती है और हमें पूछा जाता है। जसवंत सिंह जसवंत को जब 2014 के अंदर पार्टी ने किनारे किया उसमें मुझे ये बात बिल्कुल आज मैं राजपूत समाज को कहूंगा और सुननी पड़ेगी आपको, उसमें हमारी एक दो नहीं 29 विधायक राजपूत समाज के असेंबली के अंदर थे। कितने 29 विधायक, जसवंत सिंह जसवंत जैसे व्यक्ति को पार्टी किनारे कर रही है और 29 के 29 विधायक वसुंधरा जी के सामने नतमस्तक हो गए, इसी कारण हमारे ही समाज के साथ में ऐसा विरोध हो रहा, ऐसी परिस्थिति हो रही है। हम शांति के कारण पीछे झुक जाते हैं, झुकना नहीं है, जो लड़ता है उसी क्षेत्रीय कहा जाता है, जो मैदान में कूदता है वही जीतता है। पालकिया तो रविंद्र सिंह को भी दुपट्टा पहनाया था आपको पता होगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं क्षेत्रीय हूं, मैंने राजपूत कुल में जन्म लिया है, मैंने शिव की जनता से वादा किया है और शिव के अंदर फजीर बोला छोटा लाल आपके सामने परिणाम आया। अभी भी हमारे भजनलाल जी ने 2-3 बार बुलाया, 26 साल का युवा है, लालच बहुत बुरी चीज है, आपने ध्यान रखा करें, कितने प्रलोभ नहीं दिए होंगे आप सबको पता है, लेकिन फिर भी रविंद्र सिंह जी को आज जैसलमेर बाड़मेर बाड़मेर उत्तरा की जनता पर भरोसा है कि मैं सबका बेटा हूं, आप सब मेरे भाई बाप हो, छत्तीसगढ़ का साथ होगा और फजीर बोला छोड़ा ला। हम बार बार पार्टियों के आगे अगुवाई करने वाले लोग नहीं है, हम अपनापन में साथ में जीने वाले और मनने वाले लोग हैं। जैसलमेर बाड़मेर एक ऐसा जिला है जिसके अंदर 36 कौम का एक परिवार की तरह रहते हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं,
हमारे भाइयों ने एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ी है और शीश भी कटवाए, आप सबको पता होगा। राजनीति करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए।